मुझे अभी भी लग रहा था कि मैंने तुम्हें देखा था। उस दिन भी जब मैंने तुम्हें ड्रॉ करने के लिए कहा, बहुत खराब। ये सब क्या चल रहा है चाहे? छोरी छिपे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भाभी। इंटर्नशिप के बारे में घर पर सबको नहीं बता सकती ना। क्यों? चांद सितारे तोड़ने वाले अरमान भैया है, मेरे पास कौन है भाभी? तुम्हारे पास तो अरमान है, वो है ना, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। उनके पास सिर्फ आपके लिए वक्त है। चलो FIR अपनी इंटर्नशिप के लिए मैंने खुद ही एफर्ट्स डाले थे अरमान ने। मकर संक्रांति पर मैंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी दादी साहब को मेरी इंटर्नशिप और जॉब दोनों के लिए हाँ कर दी। पर अरमान भैया ने आपको सपोर्ट तो किया ना भाभी? मुझे पूरे घर में सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। चारू, हम तुम्हारी इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, ये कोई स्टूपिड सा टैटू नहीं है जिसे तुम छुपाते घूमते। तुम्हें क्या लगता है कि ये पूरे इंटर्नशिप के टेन्योर को तुम हाइड एंड सीक में छुपाते घूमते? भाभी भाभी आप घर पर सबको बताने जा रही हैं क्या? भाभी प्लीज प्लीज आप किसी को कुछ मत कहिएगा। देखो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर सच ज्यादा वक्त तक छुपता नहीं होता। भाभी आपको कैसे पता? मैंने सुना है कि होप पे ना बहुत ताकत होती है, पर हो सकता है कि मेरी होप चीर जाए और किसी को कुछ पता ही ना चले। भाभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। भाभी मैं आपकी तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज भाभी उन्हें भी एक मौका दे दीजिए ना। प्लीज भाभी प्लीज आप वादा कीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज सॉरी चल, मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इंतजार करूँगी कि तुम जाकर ही सच अपनी फैमिली को खुद बताओ, तब वो सब तुमसे कहेंगे। वो सब तुम सॉरी सर, आपको मेरी वजह से पार्टी से चेक करना पड़ा। बिल्कुल सर, हमें आगे केस पर काम तो करना है। सर मेरा प्रमोशन में रह गया, मैं भी लेकर आती हूँ आपको। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो है मैं अरमान के साथ एक पार्टी में आई हूँ, मुझे दिख जाती है चारू। और चारू यहाँ क्या कर रही है? मतलब चारू तो घर पे होनी चाहिए, या तो अपने मम्मी पापा के साथ होनी चाहिए, या मे बी समथिंग एल्स, बट वो यहाँ पर है। और मैं शॉक्ड हूँ कि भाई ये पार्टी में क्या कर रही है, लॉ की पार्टी में, लॉयर्स की सारी पार्टी है। तो बाद में पता चलता है कि उसका कुछ तो साइड स्टोरी चल रही है जो आप लोगों को पहले से पता है, तो वो चल रही है। तो पता चलता है ओ अच्छा, मतलब ये भी अपने सपने पूरे कर रही है। जी वो टेंशन में इसीलिए है कि उसका सच बाहर आ सकता है ना। मैंने उसे देख लिया, अरमान ने भी नहीं देखा, मैंने सबसे पहले देखा है, तो मुझे पता चल गया है कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये इंटर्नशिप कर रही है। लेकिन घर में पता चल गया, दादी सा को पता चल गया, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो वो मुझसे वही रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहिएगा।